उस तो बात कुछ ऐसी कि मैं सोया हुआ था, अभी नहीं थोड़े पहले, तो जब मैं सो के उठा तो मैंने बाहर देखा ना तो गाड़ी है और ना ही भाई है। तो मैंने घर वालों से पूछा कि वो कहाँ गया, तो भाई पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ जाना था, मतलब अपने दोस्तों के साथ गया है वो, तो मैं जाके भी क्या करता। तो मैंने अपने भाई को बोला कि यार अब तू जा ही रहा है तो वहाँ से एक वीडियो बना के ले आ, ताकि मैं घर बैठे बैठे वैष्णो देवी के दर्शन कर सकूं। बट फिर मैंने सोचा कि यार मेरी तरह आप लोग भी तो घर में बैठे हो, तो फिर क्यों ना यार हम लोग मिलके साथ में घर बैठे बैठे वैष्णो देवी के दर्शन करें। बाय द वे, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने यूनिवर्सल एसेंस का कॉफी हेयर मास्क और बायोटिन शैम्पू यूज़ किया था, तो फिलहाल मैं उसको अभी दो बार यूज़ कर चुका हूँ और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो यार उससे बाल सच में काफ़ी ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। यूनिवर्सल एसेंस की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब आयुर्वेदिक हैं और इनमें हार्मफुल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए हैं। तो अगर आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पसंद हैं और आप यूनिवर्सल एसेंस के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इनको खरीद सकते हो। तो गाइज हम जा रहे हैं वैष्णो माता, ठीक है। ब्लॉगिंग तो मेरे को इतनी आती नहीं है, लेकिन जितनी आती है मैं उतनी कोशिश करूंगा तुम्हें सब कुछ बताने का कि कैसा रहा हमारा ट्रिप, हम लॉकडाउन के बीच में कैसा रहा सब कुछ। मैं अभी फिलहाल अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ कि जो आ रहे हैं वो आने वाले हैं, फिर हम सारे इकट्ठे होकर जाएंगे कटरा की तरफ, ठीक है। भाई बात ऐसी है कि मैं घर से निकला हूँ चोरी चोरी, मतलब मेरे भाई को पता नहीं कि मैं वैष्णो जा रहा हूँ। जब मैं निकला घर से तो वो सोया हुआ था, ठीक है, तो मैं निकला आया अपना, मतलब घर वालों को पता है कि मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता, पर उसको नहीं पता कि मैं वैष्णो जा रहा हूँ। मैं बेचारा घर पे सोया हुआ है वो। भाई तीन दोस्त तो मिल गए हम, ठीक है, सारे तीन। अभी एक है हमारा सीए साहब, वो आ रहे हैं पीछे पीछे भागते हुए, ठीक है। अब उसको यहाँ से उठाना है जानीपुर से, फिर सीधे निकलना है कटरा के लिए। कटरा से पहले वो नगरोटा हाईवे भी दिखाएंगे जहाँ पे क्या ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट लेटेस्ट रिसेंटली ब्लास्ट हुआ। सब डरा हुआ क्यों है? सारा रिपोर्ट करेंगे, पूरी कवर करेंगे, टेंशन लो, बस बने रहो, जुड़े रहो, अपना टोल भी बचाएंगे वहाँ पे। हाँ टोल भी बचाएंगे भाई, वो मेन है। नगरोटा बाईपास पहुंच गए हम फ्रेंड्स। भाई तो फाइनली हम वो टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे जो अभी हुआ ना था, जो मिलिटेंट मारे थे अभी ट्रक वाले, बस ये वही टोल प्लाजा यहीं पे हुआ सब कुछ जो हुआ था। मास्क सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, मे भी मास्क हमें पहनना पड़े, पर कुछ जरूरत नहीं है, मुंह में डाल देता हूँ। ये ट्रक सारे आप अच्छी तरह चेक कर रहे हैं, शायद पहले नहीं करते थे, इनकी अच्छी तरह जाँच की जा रही है। हाँ अब राजा गाड़ी कौन सी वाली खाने में लगाऊ? गाड़ी लास्ट वाले में लगा ले, कॉर्नर वाले, वो वहाँ से फ्री वाले जा रहे हैं। यस यस कैसे ऐसे तो गाइस हमारे पास सब कुछ इंतजाम है सारा, ठीक है, पैसा हम एक नहीं खर्च करने वाले। हाँ तो गाइस हम ऐसे जाते हैं वीआईपी से, ये वही इलाका है, ठीक है, टेररिस्ट वाला, तो इधर ट्रकों से बच के रहना। तो भाई यार हम अभी पहुंच गए हैं दोमेल, और हम कुछ अभी चाय नाश्ता करते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं आगे। सुकेतर दोमेल कटरा से 20 किलोमीटर दूर है दोमेल यहाँ से। और सर जी और कुछ बोलना है आपको? और अभी तो पहुंच के बताएंगे हम कि क्या पोजीशन है वहाँ की और क्या हो सकता है। ये हमारे साथ फौजी साहब साबू, हाय एवरीवन, चलो फिर चाय पीते हैं, फिर दिखते हैं बाद में क्या करना है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम गरीब बंदे, हमारे फौजी साहब हमारे साथ में है। छोले क्या खिला रहा है फिर जल्दी बता, खाना खिलाना है। छोले जल्दी बता क्या खिला रहा है? चाय चाय, गरम गरम चाय। मैं गरीब है, मैं इनके साथ आया, ये मेरी पूरी सेवा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हाथ जोड़ के गुजारेंगे। तो भाई हमने चाय और समोसे का ऑर्डर दे दिया और पकौड़े भी साथ में, तब तक मैं थोड़ी सी जिम कर लेता हूँ। मैंने अपने जिम का सामान साथ रखा होता है भाई, बड़ी भारी उठा तो लिए भाई। बेशक शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन डंबल अच्छे है। बैग मार बैग, काफी आज के लिए, काफी जिम होगी आज के लिए।
चलो अब चाय पीते हैं फिर निकलते हैं कटरा के लिए, लेट हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। पॉकेट 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 डाले, पॉकेट डाले, पॉकेट डाले, घर लेके जाएंगे, घर लेके जाएंगे इसको। सुंदर एक मिनट यार, चार पकोड़े नहीं है, फोटो में 10 की चली है, उससे पकोड़े भी हो रहे हैं भाई, ठंडे हो रहे हैं। पानी तूने नहीं खाया ना, इसलिए चार ही पकोड़े। तो भाई मैं डाइटिंग में पकोड़े शकोड़े नहीं खाऊंगा, चाय चलो पी लेता हूँ, चाय तो चाय लवर हूँ ना इसलिए। तो गाइस हमें मास्क लगाने के लिए बोल दिया हमारे साबू भाई ने, जय माता दी, जय माता दी। तो फाइनली वी आर इन माता का दरबार। इंग्लिश सही बोली डोले, सूचना पढ़ लेते हैं एक मिनट यार, सूचना पढ़ लेते हैं, सही बात है, पोज करके वीडियो पढ़ लेना भाई। वैसे बात तो सही है कि बिल्कुल रश नहीं है और मजा आएगा जाने में, देखते हैं कोरोना से कितना दिक्कत है, क्या सीन है कोरोना का, सारा यहाँ चेकिंग चुकिंग हो रही है भाई, बिल्कुल रश नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है यार, मजा आ रहा है जाने का। ये तीन फौजी आए हमारे साथ, ये तीन तीन फौजी आए हैं, आदमी शौक था बनने का। बोलना चाहोगे भाई, बर्फ थोड़ी गिर रही है वहाँ, तो गिर रही है जहाँ से मैं आया बरनाई से भाई, पुल के नीचे गिर रही है, जितने बंदे बरनाई में रहते हैं देख लो भाई, इसके पुल पे बर्फ गिर रही है। गुलशन जी का लंगर यहीं लगता है, यहाँ थोड़ी लगता भाई, आगे लगता है यार, चलिए काट देंगे भाई। यार मार्केट पूरी की पूरी बंद है, कुछ भी नहीं खुला हुआ, ढाबा खुला हुआ है लेकिन वो बेचारों ने ऐसे ही खुला हुआ है। सामान ऊपर जाता हुआ, सवारी सवारी अपने सामान की खोजी। ये देखो भाई, ये थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, जैसे हमारे ये देखो, जैसे ये थक गया ये रुक गया, हाँ पर बेचारा इनमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये थोड़ा पहले थक गया। मजे से सोए हैं पूरी फैमिली विद फैमिली, और हम चल रहे हैं फोटो सेशन होता हुआ। टाइम कितना हुआ है भाई, रात के बज गए हैं 11:30। केजरीवाल को दिखाना कैसे पहनता केजरीवाल, भाई हम सस्ता केजरीवाल लेके आए हैं जम्मू के लिए, जल्दी कर भाई जल्दी कर, वैसे ऊपर ही पहुंचना, दर्शन भी करने हैं। गलत हो गया भाई, जादू गलत हो गया। जादू फेल नहीं करना। ये सही सुनाना यार, सही सुनाना यार। तो भाई रात के बज गए 11:30, देखो कोई बंदा नहीं मार लावा, अभी सुनिए मजे से जा रहे, कोई वो ना कोरोना ना कुछ, ना कोरोना ना कोई रोना, लेट्स गो। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। पाशा भाई, पाशा भाई, आप कुछ लगता है आप थक चुके हो, लगता आप थक चुके हो? नहीं अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपका यहाँ तक सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया सफर रहा, बहुत एंजॉयमेंट, बहुत एंजॉय किया। किस टाइप की एंजॉयमेंट की भाई? खाना खिलाया नहीं तूने? खाना खिलाया आपको मैंने, इतना बढ़िया खाना खिलाया, वेट करा के खाना खिलाया आपको, चोरी कोने में ले जाके खिलाया, कोने में ठाके खिलाया खा रहा है इसने। भाई आपको पोनी की रेट दिखाते हैं, क्या रेट है घर से आपको दिखाते हैं, रेट वही सेम है जो पहले थे, ये नहीं कोरोना के टाइम महंगे हो गया, कुछ महंगा नहीं हुआ। मजे से आओ, बिंदास आओ, जय माता दी बोलते हो भाई, पैसे लेकर आने के, खाली हाथ नहीं आना इसकी तरह। ये बंदा कंगाल, ये दिखा रहा है, ये देखिए, अरे तेरा 50 रुपए, अमीर बंदा, रिच पीपल, अब भी बोलो पैसे नहीं है, और भी है। कितने ऑटो खरीदने, कितने ऑटो खरीदने भाई, बोल ये ले पैसे लपेट लपेट साले को ठंड भाई, लपेट पूरा लपेट पूरा लपेट, और रुक ना यार, तेरे को जा पता है, ये रुक जा, आगे आना, शूज गंदे कर रहे भाई, सस्ते शूज गंदे हो गए, महात्मा गांधी नहीं, ठाकुर लग रहा है। ओ भाई ओ सही बना गया, सही दिखा दिखा, जूते दिखा, सोल वो है, किल लगे नीचे, किल लगे मुझे भी चाहिए बाबू जी, किल वाले जूते साबू, ये हाथ मुझे दे दे नहीं को प्यार, बेचारे के हाथ थोड़े बिजी हैं, तो
ये हमारा ठाकुर, ये हमारा रामू काका। भाई ये रहा भवन फाइनली। बस आई थिंक 1 किलोमीटर रह गया होगा, पर भाई मजा बड़ा आया, कोई रश नहीं है। यहाँ यहाँ तक लाइन होती थी, कोई लाइन नहीं अभी। तो भाई यार फाइनली दर्शन हो गए, हम थोड़े सारे भाव देख रहे हैं। वैसे इतना रश नहीं है, इतना आराम से आओ। मैं तो बोलता हूँ ये बेस्ट टाइम है तुम्हारा आने का, बस सर्दी है थोड़ी ज्यादा, वो देख लेना। डबल सॉक्स पहन के आना, नहीं तो मेरी तरह हैंग हो जाओगे। तो भाई फाइनली दर्शन हो गए हैं, अब हमने जाना है सीधे भैरव घाटी के लिए। तो चक्कर ये कि हमने सोचा था हम जाएंगे गंडोला में, पर उसका टाइमिंग है 9:30, तो इसलिए भाई हम जाएंगे हम पैदल। भाई फाइनली हम गंडोला में बैठ के जाने वाले हैं, ठीक है। हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर हो सके तो। हमने बड़ा वेट किया इसके लिए, एक लगभग कोई 8:30 तक ओपन होता है, उसके बाद 9 बजे से चलना स्टार्ट होती है वो जो लिफ्ट है। भाई तो यहाँ से चलेगा हमारा गंडोला, अभी शायद टेस्टिंग चल रही है उसकी, 3-4 बार गया है खाली। चले हम गंडोला की तरफ, 100 रुपये की टिकट है, ले ली है। राजा कोई मफलर लेके नहीं भाग जाए मेरा भाई, 100 रुपए खर्चे हैं। जान 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 जान, कुछ नहीं करेगा यार, राजा ये कुछ नहीं करते, चक्कर लगा खुद डरते हमसे।